अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज अपने किचन में बना रहे हैं पिज्जा और हम बना रहे हैं डिफरेंट फोर टॉपिंग्स से हम पिज्जा बनाएंगे, बहुत ही मजे का, बहुत ही ज्यादा टेस्टी किस्म का। क्योंकि ऐसा होता है किसी को कुछ टॉपिंग पसंद होती है, किसी को कुछ टॉपिंग पसंद होती है। तो मैं सोच रहा हूँ एक ही पिज्जे में हम चार डिफरेंट किस्म की टॉपिंग्स बनाएंगे और सब अपने अपने फेवरेट टॉपिंग जो होगी ना उसका स्लाइस ले लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने डो तैयार करनी है। तो डो तैयार करने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, डो तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है, 2 टेबलस्पून भर के हमने पाउडर मिल्क लिया है, ईस्ट लेंगे हम 1 टीस्पून, चीनी लेंगे हम 1 टीस्पून, नमक लेंगे हम 1/2 टीस्पून, मेल्टेड बटर लेंगे हम 2 टेबलस्पून और हसबे जरूरत नीम गरम दूध लेंगे। सबसे पहले हम मैदे में डालेंगे पाउडर मिल्क, नमक, चीनी, ईस्ट, मिक्स करेंगे और सेंटर में हम थोड़ी सी जगह बना लेंगे और उसमें डालेंगे मेल्टेड बटर और थोड़ा सा दूध। अब डो को हम गूंध लेंगे। अब डो को हमने अच्छे से गूंध लेना है। तो ये देखिए, अब हमने इसको अच्छे से गूंध लेना है तकरीबन 5 मिनट तक, कि इतना गूंधना है कि ये हाथ से चिपकना बंद हो जाए। ठीक है, अच्छे से डो को गूंधेंगे। चलें, अब इसको हम प्लास्टिक रैप से कवर कर देंगे। इसको कवर करके हम रख देंगे 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे। टॉपिंग तैयार करने के लिए यहाँ पे हमने चिकन को ना 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो ये है चिकन फहीता, मतलब जो हमने चिकन फहीते के स्लाइस लंबाई में काटा है, और जो मलाई टिक्का है उसका हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काटा है, और एक मलाई टिक्का था और एक चिकन टिक्का। चिकन टिक्का को भी हमने एक ही शेप में काटा है, और ये हमने सिंपल चिकन जो पिज्जा होता है ना रेगुलर, उस साइज में काटा है, मतलब लंबाई में और चौड़ाई में भी। तो ये हो गया। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मलाई बोटी की टॉपिंग, तो इनको हम साइड पे करते हैं। मलाई बोटी की टॉपिंग तैयार करने के लिए यहाँ पे हमने चिकन लिया है, हसबे जरूरत थोड़ा सा चिकन लिया क्योंकि हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो तकरीबन ये होगा 1/2 कप, और छोटे छोटे क्यूब्स मैंने इसे काट लिया। जीरा पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे 1/2 टीस्पून, लहसुन अदरक का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून तकरीबन, मैंने, अगर आपके पास पाउडर नहीं ना है तो आप पेस्ट भी ले सकते हैं 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, सिरका लेंगे 1 टीस्पून, नमक लेंगे 1/2 टीस्पून, दही लेंगे 2 टेबलस्पून और क्रीम लेंगे 1 टेबलस्पून भर के। तो ये चीज़ें चाहिए हमें मलाई बोटी के लिए। तो चलें अब हम इसको मैरिनेट करते हैं। चिकन में लगाएंगे सिरका, मिक्स करेंगे, अब इस पर डालेंगे दही, लहसुन अदरक का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, क्रीम, मिक्स करेंगे। चलें इसको हम कुक कर लेंगे। एक पैन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें हम ऑयल डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून, कुक करेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम टू लो रखी हुई है, आराम से हमने इसको पकाना है। तो ये देखिए चिकन तकरीबन 5 मिनट में अच्छे से कुक हो जाएगा मीडियम टू लो फ्लेम पे। जितना भी पानी है ना दही का, उसी में चिकन हमारा कुक होगा। तो ये देखिए रेडी हो चुका है। अब क्या करते हैं, इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और अब हम रेडी करते हैं फहीता। फहीता टॉपिंग रेडी करने के लिए हमने यहाँ पे चिकन लिया है, जो वेजिटेबल्स होंगी ना वो हम पिज्जे के ऊपर टॉपिंग करेंगे। उसके लिए हमने चिकन लिया है तकरीबन 1/2 कप लंबाई में कटा हुआ, पेपरिका पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का मैंने पाउडर लिया है और आप पेस्ट भी ले सकते हैं, नमक लिया 1/2 टीस्पून, सिरका लिया 1 टीस्पून। तो ये चीज़ें चाहिए हमें फहीता के लिए। तो चलिए अब इसको रेडी करते हैं। चिकन पे लगाएंगे सिरका, नमक, पेपरिका पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, अदरक लहसुन का पाउडर, मिक्स करेंगे और इसी में हम ऑयल ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून। चलें चलें इसको हम कुक कर लेंगे। एक पैन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें चिकन ऐड कर देंगे और बस इसको हमने कुक करना है 5 मिनट के लिए। पानी वगैरह हमने ऐड नहीं करना, चिकन का जो पानी होगा ना उसी में हमारा चिकन कुक होगा। चिकन फहीता का चिकन रेडी है, तो फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको निकाल देते हैं। फहीता की टॉपिंग, एक शिमला मिर्च, एक टमाटर और ये प्याज। ये होगी चिकन फहीता की टॉपिंग और ये होगी मलाई बोटी की टॉपिंग। अब हम करते हैं चिकन टिक्का की टॉपिंग रेडी। चिकन टिक्का की टॉपिंग रेडी करने के लिए चिकन लिया हमने 1/2 कप, लाल मिर्च का पाउडर लिया 1 टीस्पून, धनिया पाउडर लिया 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च लिए 1/2 टीस्पून, अदरक लहसुन का पाउडर लिया 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर लिया 1 टीस्पून, अजवाइन लिए हमने चुटकी भर, नमक लिया 1/2 टीस्पून और दही लिए हमने 2 टेबलस्पून। तो चलें अब इसको मैरिनेट करते हैं। चिकन में ऐड करेंगे दही, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अजवाइन, अदरक लहसुन का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, मिक्स करेंगे। चलें और अब इसको हम कुक कर लेंगे।
पैन लेंगे, इसमें ऑयल डाल देंगे 1 टेबल स्पून, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। तो बस इसको कुक करेंगे, तो इसकी टाइमिंग भी 5 मिनट है, 5 मिनट में ये अच्छे से कुक हो जाएगा मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए चिकन टिक्का जो है ना वो भी रेडी है, तो इसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब है सिंपल टॉपिंग, तो उसको हम रेडी करते हैं। लास्ट टॉपिंग रेडी करने के लिए हमने यहाँ पे चिकन लिया है तकरीबन 1/2 कप, काली मिर्च ली है 1/2 टीस्पून, नमक लिए 1/2 टीस्पून, सिरका लिए 1 टीस्पून, और साथ में अदरक लहसुन का पाउडर लिए 1/2 टीस्पून, और हरी मिर्च ली है हमने 1 अदद कटी हुई। तो चलिए आप इसको भी रेडी करते हैं। पैन लेंगे, इसमें ऑयल डाल देंगे, साथ इसमें ऐड कर देंगे चिकन और सिरका, नमक मिक्स करेंगे, अदरक लहसुन का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, साथ में जाएगी हरी मिर्च। ये मेरे स्टाइल की टॉपिंग है। तो ये भी चिकन रेडी है, इसको भी निकाल लेते हैं। चलें, सारी टॉपिंग रेडी है, और दूसरी तरफ हमारी जो डो है ना वो भी राइस हो चुकी है, इसको हम निकालते हैं। तो डो हमारी राइस हो चुकी है, इसको हम निकालते हैं। मैदा डस्ट करते हैं, और इसका अंदर, इसके अंदर जो एयर है ना उसको हमने निकालना है। साइडों से इस तरह करेंगे, और अब इसको बेलेंगे। अब पिज़्ज़ा ट्रे लेंगे और इसमें डाल देंगे, इस तरह से इसकी ना साइडें बना लेंगे हम। ये सबसे पहले हम इस पर फोक से निशान डालेंगे कि ये ज़्यादा राइज ना हो, जिस तरह नान होता है ना उस तरह, ठीक है। चलें, और अब हम सबसे पहले लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस लग गई, और अब इसमें हम टॉपिंग करेंगे मोज़रेला और चेटर चीज़ ग्रेट किया हुआ, ये रखा हुआ था ना, ये हम इस पर थोड़ी सी टॉपिंग करेंगे पहले। तो ये हमने कर दी, और अब हम टॉपिंग करेंगे। ये सबसे पहले हम मलाई बोटी की टॉपिंग करेंगे, और अब करेंगे फहीता की टॉपिंग, और अब चिकन टिक्का की, अब सिंपल चिकन की। चलिए अब टॉपिंग करेंगे हम चीज़ की। अब इसके ऊपर हम टॉपिंग करेंगे, फहीता के ऊपर करेंगे फहीता की टॉपिंग। ये देखें, थोड़ा सा प्याज, और टिक्के के ऊपर हम थोड़ा सा प्याज डाल देंगे, और साथ में थोड़े से ऑलिव्स, इसके ऊपर भी थोड़े से ऑलिव्स डालेंगे, और जो मलाई बोटी है ना उसको हम सिंपल रखेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे ऑरिगानो। तो अब इसको हम बेक करेंगे 200 डिग्री पर रख के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अवन हमारा प्रीहीट हो गया है, 200 डिग्री पर रख के मैंने इसको 15 मिनट के लिए प्रीहीट किया था, तो प्रीहीट हो चुका है। तो अब इसको बेक करते हैं। चले, पिज्जा रेडी है, इसको हम निकालते हैं। ओहो, खुशबू आ रही है बहुत कमाल की। चले, पिज्जा रेडी है। अब ऐसा करते हैं, अब हम ना मायो से ना इसके मतलब हिस्से कर देते हैं। ये देखें, तो तैयार है बहुत ही मजे का, बहुत ही डिफरेंट किस्म का पिज्जा। यकीनन आपको पसंद आएगा, क्योंकि इसमें 4 टॉपिंग्स मैंने आपको बनाना सिखाई हैं, और 4 टॉपिंग्स वाला ये पिज्जा है। तो अगर आपको कोई भी टॉपिंग पसंद है तो आप वो वाली ले सकते हैं। इस तरह का पिज्जा बनाया है, तो यकीनन आपको पसंद आएगा। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये पिज्जा कैसा लगा। तो अगर आपको ये मजे का डिफरेंट किस्म के पिज्जे की रेसिपी अच्छी लगी है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा इंस्टाग्राम, और इस बटन पर क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पर क्लिक करके लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।